रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चपली कबाब, और चपली कबाब बाज़ार में किस तरह बनते हैं तो आपको दिखाएंगे स्ट्रीट फूड के स्टाइल में कि ये किस तरह तैयार होते हैं और ये टेस्टी ज़्यादा क्यों होते हैं। तो सब जो जो मसाले डलते हैं वो सब पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस भाई से मालूम करता हूँ मैं क्या क्या है। ये जो कबाब है ना, ये मानसरे की मशहूर कबाब है। इन्होंने कराची में ये ब्रांच यहाँ पे चला रहे। वैसे ये जो मानसरे की कबाब है मशहूर चपली कबाब। अभी भाई से पूछते हैं क्या क्या मसाले डलते हैं। और ये तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम अब चपली कबाब की रेसिपी आप हमें शेयर करेंगे हमारे साथ। तो ये चपली जो कबाब है इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं और ये किस तरह तैयार होते हैं, ये पूरी डिटेल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना। ये कीमा है इसमें हम डालते हैं मिर्ची। अच्छा, और धनिया डालते हैं, और इसमें अदरक लहसुन, सही, चाइना नमक। अच्छा, और जो है ना गर्म मसाला डालते हैं, सही, और इसको जो है इस तरह फिर बनाते हैं, सही, और तकरीबन 5-6 मसाले इसमें डालते हैं। अच्छा, हरी मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं। सही, ठीक हो गया जी। और बाकी जब इसको फिर कितनी देर के लिए रखते हो, यानी बस तकरीबन 2 घंटे रखते हैं ताकि ये जो है ना सही बन जाए। अच्छा, यानी मैरिनेट होता है पूरा मसाले इसके अंदर जब जाए ना। जी हाँ। अच्छा, बाकी फिर जब बनाते हो तो फिर उसके अंदर मजीद मसाले ऐड करते हो या नहीं? नहीं, नहीं, बस यही मसाला डालते हैं। अच्छा, यही। तो अभी आप बता के दिखाना हमें, ये देखें। अच्छा, ये हो गया कीमा। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया गर्म मसाला। सही। ये हमने इसमें डाल दिया हल्दी। अच्छा, और ये जो है ना जीरा डाल दिया। ये लाल मिर्च हो गई। ये कबाब मसाला डाल दिया। सही। ये 2 टमाटर भी डाल दिए जायके के लिए। अच्छा, ये चाइना नमक थोड़ा सा डाल दिया जायके के लिए। ये अदरक लहसुन पीसा हुआ ये थोड़ा सा डाल दिया। सही। और ये हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी। अच्छा, इसको फिर हम लोग ऐसे हाथ से भून लेंगे। सही। थोड़ा सा सही प्रेस हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, थोड़ा जायका जो है ना इसका बन जाएगा। सही। इसके जायका बनाने के लिए थोड़ा सा इसको रगड़ना पड़ता है ताकि कबाब टूटे नहीं, कबाब अच्छी तरह से बने और इसमें जायका बने, खाने में भी मज़ा आए। अच्छा जी। और बाकी इसमें अंडा तो नहीं मिक्स होता है ना? अगर कोई मांगे तो अंडा डाल देते हैं, अगर नहीं मांगे तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ज़रूरी। कोई अंडे खाने वाला चाहे। अच्छा, तो फिर इसमें हम अंडे भी डाल देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी हाँ। तो ये आप देख सकते हो व्यूवर्स, ये भाई ने प्रॉपर आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी आपको बता दी। बाकी आपको तैयार करके भी दिखाएंगे। अभी कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई में तेल बिल्कुल गर्म है। तेल गरम रखना है, तेल ठंडा होगा तो कबाब मज़े का नहीं आएगा। अच्छा, ये देखें, ये आप देख सकते हो। ये भाई का सेटअप है, ये आप देख सकते हो। ये मानसरे की मशहूर कबाब है, लेकिन ये कराची में, जैसे मानसर में ये रेसिपी तैयार होती है वहाँ पे भी। बाकी अभी आपको ये चपली कबाब हमारा तैयार है, अभी आपको दिखाते हैं। ये रेडी हो चुका है, बस ये 3 से 4 मिनट लगे इसको रेडी होने में। ये आप देख सकते हो, आप कलर भी देख सकते हो, माशाल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। ये आप देख सकते हो चपली कबाब, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये आप घर में भी बना सकते हो ईज़िली इसी तरह मसाले के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।